winner, the Global Teacher Prize 2020, is Ranjit Desale from India. Oh, and look, there's your whole extended family now. It's wonderful. Oh, my dear fellow, I can see how moved you. Hello, friends. Professor Ranjit Singh Desale, who won the Global Teachers Prize Award 2020, उनके बारे में आज कुछ बात करते हैं. आपको जो पता है कि उनको ये अवार्ड मिला है, राइट? बट किस चीज के लिए मिला है अगर वो आपको पता नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे. ये ग्लोबल टीचर्स अवार्ड क्या होता है, राइट? उसके बारे में बात करेंगे. एंड यस, एक फैक्ट है जो वो फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो चुके थे, राइट? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सो आइए बात करते हैं. उन्होंने ये प्राइस जीतने के बाद क्या कहा. Said, I was rejected in my first attempt when one of my overseas friends nominated me. Then she told me to apply again. It was a lengthy process and took almost a year due to the pandemic. I have gone through interviews and showed my work in detail. I think it was my overall profile, not a single aspect, that got me the award, he said. So firstly, प्रोफेसर रंजीत सिंह ये प्राइस के लिए रिजेक्ट हो चुके थे. देन उनके एक ओवरसीज फ्रेंड ने, फॉरेन फ्रेंड ने उनको क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया इस अवार्ड के लिए. अभी बात करते हैं ये प्राइस उनको किस चीज के लिए मिला. तो प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन. एंड यस, उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग गर्ल्स एजुकेशन विद QR कोडेड टेक्स्ट बुक. इसका मतलब होता है अगर आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर पोएम एक टेक्स्ट बुक में मिलती है, तो वो टेक्स्ट बुक के वो पर्टिकुलर चैप्टर के वहाँ पे एक QR कोडेड, एक QR कोड वहाँ पे लगा होगा, मोबाइल से आपको स्कैन करना होगा. देन आपको वो चैप्टर इन डिटेल वहाँ पे आ जाएगा, एक वीडियो उसका आ जाएगा. अगर सपोज पोएम है तो उसका ऑडियो आ जाएगा. सो इनका ये काम था. इस प्राइस में, इस अवार्ड में उनको $1 million, दैट मीन्स 7 crore इंडियन रुपीज मिला. इनमें का भगवान आप देख सकते हो, इन्होंने हाफ ऑफ दिस प्राइस 3.5 करोड़ ऑलरेडी इन्होंने क्या कर दिए, बाकी के जो फाइनलिस्ट थे उनको दे दिया इक्वली. सो उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया था उनकी फील्ड में. तो इनका एज ए टीचर का डेफिनेशन ये है कि ये इनकम के लिए काम नहीं करते, ये आउटकम के लिए काम करते हैं. सो टीचर एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, उन्होंने उनका जो 50% है इसका भी 30% टीचर इनोवेशन फंड में दे दिया. तो आप इनमें एज अ टीचर में, इस टीचर में जो भगवान है वो देख सकते हो. आपके मन में टीचर का डेफिनेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए एंड इससे हमारे साथ ज्वाइंट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा स्काई डायरी स्पीक्स एजुकेशनल चैनल को. मिलते हैं ऐसे ही नए नेक्स्ट वीडियो में.